मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्टल्स भी कहा जाता है, ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल है। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्टल्स भी कहा जाता है, ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्डर जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल है। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्टल्स भी कहा जाता है, ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है।
ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजल्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है और ऑर्फनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, इथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीस स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजल्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है और ऑर्फनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, इथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीस स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजल्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है और ऑर्फनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्डर जो है के पास और भी ऑर्फनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, इथियोपिया में, बाकी
160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो बिल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और
एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यूमेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्ड को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रस भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यूमेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्ड को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रस भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यूमेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्ड को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको
सैम चर्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनपीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो देखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्डर जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल है। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनपीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्डर जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल है। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनपीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है।
ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वार जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और आउट करते हैं और एंजल्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहां वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, इथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन NBC's स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वार जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और आउट करते हैं और एंजल्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहां वो बिल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन NBC's स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वार जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजल्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहां वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्डर जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, इथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का।
चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनपीसीज स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और आउट करते हैं और एंजल्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, इथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रस भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनपीसीज स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजल्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्डर जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, इथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रस भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनपीसीज स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजल्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं।
बाद चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्ड को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनपीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजल्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्ड को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनपीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजल्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्ड को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको
सैम चर्रस भी कहा जाता है, ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन NBC's स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शन होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो भी कहा जाता है, ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन NBC's स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शन होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्डर जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, इथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रस भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन NBC's स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शन होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्डर जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, इथियोपिया में, बाकी
मतलब बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन NBC's की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शन होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वार जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहां वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, इथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन NBC's स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शन होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वार जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहां वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्डर जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, इथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी,
मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन NPCs की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चिल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो देखते हैं और आउट करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्ड को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल की बात है। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रस भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन NPCs की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चिल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और आउट करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्ड को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल की बात है। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रस भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन NPCs की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चिल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और आउट करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में,
जहाँ वो भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनपीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यूमेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, इथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनलिटी का है। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चिल्ड्रंस भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनपीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यूमेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्डर जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, इथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनलिटी का है। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चिल्ड्रंस भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनपीसीज स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो
फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेज उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वार जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजल्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, इथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्ड को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंट्रोडक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेज उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वार जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजल्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, इथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्ड को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंट्रोडक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेज उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वार जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजल्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, इथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं
और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनलिटी का है। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनपीसीज स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फनेज न्यूमेले में साउथ सूडान में, जहां वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्डर जो है के पास और भी ऑर्फनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, इथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनलिटी का है। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनपीसीज स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फनेज न्यूमेले में साउथ सूडान में, जहां वो भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनपीसीज स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं।
तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी मतलब बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्ड को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी मतलब बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्ड को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी मतलब बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्ड को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको
सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शन होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल है। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनपीसीज स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शन होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्डर जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल है। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शन होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है
और रिसोर्सेज उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चिल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है और ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल की बात है। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शन होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चिल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो बिल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शन होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चिल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्डर जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल की बात है। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी,
मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चिल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्ड को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चिल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्ड को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चिल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में,
जहां वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेंजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्ड को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शन होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यूमेले में साउथ सूडान में, जहां वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेंजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्ड को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शन होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यूमेले में साउथ सूडान में, जहां वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेंजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्ड को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है,
1963 बॉर्न है। ये एक एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंट्रोडक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वार जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो बिल्स भी कहा जाता है, ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंट्रोडक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वार जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल है। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रस भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंट्रोडक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वार जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्डर जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो
2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है, और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रस भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंट्रोडक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजल्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, इथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है, और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रस भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंट्रोडक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजल्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्डर जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, इथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है, और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रस भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में
जानते हैं, और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यूमेले में साउथ सूडान में, जहां वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है, और ये अमेरिकन नेशनलिटी का है। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यूमेले में साउथ सूडान में, जहां वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है, और ये अमेरिकन नेशनलिटी का है। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कोनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यूमेले में साउथ सूडान में, जहां वो बिल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है,
ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शन होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वार जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यूमेले में साउथ सूडान में, जहां वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल है। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शन होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वार जोन में फंसे हुए हैं। तो चाइल्डर और उसकी जो बीवी है लायन, वो दिखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यूमेले में साउथ सूडान में, जहां वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्डर को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल है। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्ल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज की स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शन होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है
और रिसोर्सेज उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चिल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो देखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्ड को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है एक वेल नॉन बन जाता है, काफ़ी जान पहचान हो जाती है उसकी, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है जब डेडलाइन एनबीसीज स्टोरी उसके बारे में जानते हैं और उसकी इंटरेक्शंस होती है जोसेफ कॉनी के साथ, जो कि रेजिस्टेंस आर्मी का लॉर्ड है, लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी का लीडर है। ये 2005 की बात है। तो फिर वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर देता है और रिसोर्सेस उन बच्चों को बचाने के लिए जो कि साउथ सूडान के वॉर जोन में फंसे हुए हैं। तो चिल्डर और उसकी जो बीवी है लाइन, वो देखते हैं और फाउंड करते हैं और एंजलस ऑफ ईस्ट अफ्रीका को ऑपरेट करते हैं। तो चिल्ड्रंस का जो विलेज होता है ऑर्फेनेज न्यू मेले में साउथ सूडान में, जहाँ वो 185 बच्चों की केयर करते हैं। तो चाइल्ड जो है के पास और भी ऑर्फेनेजेस हैं और होम्स हैं युगांडा में, एथियोपिया में, बाकी 160 चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन केयर में। तो 2013 में चाइल्ड को मदर टेरेसा अवार्ड से सोशल जस्टिस मिलती है और ये अमेरिकन नेशनल। मशीन गन प्रीचर, इसको सैम चर्रल्स भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन मोटरसाइकिलिस्ट है, ऑथर है, ह्यूमैनिटेरियन है, 1963 बॉर्न है। ये एक फॉर्मर मेंबर है हाईवे मैन मोटरसाइकिल क्लब का। चाइल्डर जो है